नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपको अपने चैनल सीटो मैटिक में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप किसी भी गूगल ड्राइव फाइल्स हो, चाहे वो स्लाइड हो, डॉक्स हो या शीट हो, उनको टेम्परेरी तौर पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और उसके एक्सेस को किसी भी स्पेसिफिक डेट के बाद रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक यही चीज़ें सीखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और रियल टाइम पर वीडियो को देख के कुछ नया सीख सकें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव ओपन करना है या फिर उस फाइल को ओपन करना है जिसकी आप टेम्पररी एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन कर रखा है यहाँ पे सीटोमैटिक के नाम से, ठीक है। सीटोमैटिक प्रैक्टिस शीट है जो मैंने आप सभी को एक्सेस दे रखा है, ठीक है, ताकि आप एच लुकअप और इंडेक्स मैच की प्रैक्टिस कर सकें। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जिसको मैंने एक्सेस दे रखा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, उसके एक्सेस में रिमूव कर दूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शेयर बटन पे और उस पर्सन के साथ सबसे पहले मैं ये फाइल शेयर करूँगा, अगर मैंने शेयर अब तक नहीं किया है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो फाइल है मेरी दूसरी आईडी पे शेयर करूँ, लेकिन लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ कि आपको एडिटर एक्सेस नहीं देना है अगर आप टेम्पररी एक्सेस देना चाहते हैं तो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्या राइट देंगे आप, व्यूअर या फिर कमेंटर का। अगर आप उसे व्यूअर या कमेंटर का एक्सेस देते हैं तभी आप उसके एक्सेस को ऑटोमेटिक रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। अब करते हैं सेंड शेयर एनीवे, ठीक है। एक पर्सन ऐड हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके जो एक्सेस है इसको मैं टेम्पररी तौर पर रखूं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आपको उसको शेयर करना पड़ेगा। शेयर कर दिया आपने, अब क्लिक करेंगे अगेन शेयर पे। अब आप देखो यहाँ पे आईडी शेयर हो चुकी है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो एडिट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे गिव टेम्पररी एक्सेस, क्या करेंगे, गिव टेम्पररी एक्सेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट तक आप उसे एक्सेस देना चाहते हैं टेम्पररी तौर पर। कैलेंडर ओपन हो गया, मैं चाहता हूँ कि इसको कल के डेट तक ही, जो कि सैटरडे है, 6 मार्च है, 6th मार्च 2021 है, तब तक ही इसको एक्सेस दूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 6 को करूँगा सेलेक्ट और करूँगा सेव। तो इस तरीके से आप किसी को भी टेम्पररी एक्सेस दे सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आपने किसी को ऑलरेडी एक्सेस दे रखा है, कोई भी एक्सेस दे रखा है, उसको चाहते हैं कि रिमूव कर दूं, तो क्या करेंगे आप, अगेन इसी आइकन पर क्लिक करना है जो डाउन एरो की है यहाँ पे, और लास्ट हम जाना है आपको रिमूव के ऑप्शन पर। रिमूव के ऑप्शन पर रिमूव सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव करना है, तो उसके एक्सेस परमानेंटली और इंस्टेंटली उसी टाइम पर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिमूव और टेम्पररी एक्सेस दे सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि किसी और के भी हेल्प हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ। तो मिलते हैं गाइस कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।